सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 8वें दिन हिजाब बैन मामले को लेकर जोरदार बहस हुई। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो वहीं मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार का सर्कुलर संविधान का उल्लंघन करता है। पहले मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं और राज्य सरकार का सर्कुलर गैर संवैधानिक और अवैध है। दवे ने कहा कि राज्य का सर्कुलर अनुच्छेद 14, 19 और 25 का उल्लंघन करता है। मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा से जुड़ा मामला है और संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। दवे ने ये भी दलील दी कि हिजाब पहनने से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है और न ही शांति भंग होती है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2021 से पहले तक कोई छात्रा हिजाब नहीं पहनती थी, लेकिन एकाएक छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगी। तुषार मेहता ने कहा कि ये स्टूडेंट्स की तरफ से अचानक शुरू किया गया आंदोलन था, जिसके बाद दूसरे कम्युनिटी के छात्रों ने भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया। सरकार संवैधानिक दायित्व का पालन कर रही है और हिजाब और भगवा शॉल दोनों को पहनने से रोक रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी को कुछ विशेष पहनने से रोका है, सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा गया है जो रिलीजियस न्यूट्रल है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया ने तुषार मेहता से पूछा, आप सिर्फ ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं? जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, सिर्फ ड्रेस की बात कर रहे हैं, इसमें हमने किसी भी धर्म विशेष को नहीं छुआ है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि धार्मिक पहचान वाले कपड़े शिक्षण संस्थानों में न पहने जाएं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील दुष्यंत दवे की दलील पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यूनिफॉर्म समानता लाता है और विषमताएं दूर करता है।